ओए नो, वो नो 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 नो, आखिरी लाइफ है मेरी। अरे नहीं भाई, वो नहीं, वो नहीं। तो भाइयों, एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग खेलने वाले एक बहुत ही तगड़ा हॉरर गेम जिसका नाम है कमला। कमला एक ऐसी लड़की है जो कि अपने ससुराल जाने के बाद पूरी बदल गई, और वो इतनी बदली कि वो चुड़ैल में ही कन्वर्ट हो गई, और चुड़ैल में भी इतनी कन्वर्ट हुई कि अपने ससुराल में धीरे धीरे सभी को उसने मारना स्टार्ट कर दिया। और इतना मारा कि ससुराल वाले कमला को इस हवेली में अकेले छोड़ के चले गए हैं। अभी इस हवेली में कमला अकेली रहती है, कोई भी वहां पे जाता है अगर लड़की है तो वो उसे अपने साथ चुड़ैल बना देती है, अगर लड़का है तो वो बुध बना देती है। और बस यही क्रियाक्रम ये चल रहा है, और अभी हम लोग जाने वाले उस हवेली में। ये गेम हिंदी में भी अवेलेबल है, तो फिर हम हिंदी में ही खेलेंगे, इंग्लिश में क्यों खेले। प्रारंभ करते हैं गेम को। तेज आवाज ये कमला को सचेत कर सकती है, मतलब क्या बात है। अपनी शादी के दिन कमला के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसकी शादी एक नए परिवार में हो रही थी। सभी ने प्यार और खुशी के साथ कमला का उसके नए घर में स्वागत किया। ठीक है, समझ गया, मगर कमला की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। क्या लिखा था बताइए जरा, हम भी जाने। बीमार हो गई क्या कमला? हाँ। कमला पर एक दुष्ट आत्मा का साया था और उसका व्यक्तित्व काफी बदल गया। इस आत्मा ने फिर पूरी तरीके से कमला को अपने कब्जे में कर लिया और उसे एक भयानक मानव खाने वाली चुड़ैल बना दिया। मदद के लिए बेताब परिवार का बाकी हिस्सा भागता है। कुछ भाग्यशाली भाग्य से संदेश एक तांत्रिक पुंजारी तक पहुंच जाता है, जो अब कमला को बाहर करने का निर्धारित करता है। ओके, जो हमने स्टोरी बताई थी मैंने, वो तो निर्विघ्नम कुरु में देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, महामृत्युंजय मंत्र है मे बी ये। और कहानी जो मैंने पहले बताई थी स्टार्टिंग में, वो मेरी मनगढ़ंत कहानी थी। इसमें कहानी ऐसी है कि कमला एक ससुराल में जब जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक चुड़ैल में, और वो जिंदा लोगों को खाना स्टार्ट कर देती है। मे बी उसके ससुराल में एकाध दो लोगों को उसने खा लिया हो। मतलब जिंदा लोगों को खाना, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया भाई। क्या बात है, ये हवेली पे हम आए क्या? पेशाब करना मना है सच? अच्छा, यहाँ पे पेशाब करना मना है? मैं बोला रियल लाइफ में ही मना है क्या? प्रभाकर निवास 2478, ये प्रभाकर का घर है। और प्रभाकर भाई, आपने गलत लड़की से शादी कर लिया यार, देखो इसलिए बोलता हूँ शादी मत करो, बट शादी करोगे तो यही होगा। आ चुके हैं हम लोग एक घर, एक हवेली पे, और हवेली के अंदर जाना है। मे भी हमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा भाई, यही दरवाजा है, बट ये दरवाजे के अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि आग लगी हुई है। अब मेरे को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ कहीं पे कुछ है क्या। ओके, कुछ भी, खिड़की ये वाली ओपन होगी क्या? यहाँ पे क्या लिखा है? तांत्रिक जी, आप हमारी आखिरी आशा है, हवेली अब बहुत खराब हालत में है। मुझे यकीन है कि आप वहाँ अभी भी सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन बहुत सावधान रहे। ओके, मैं सावधान रहूँगा, दिक्कत नहीं है कोई भाई। एक आध ये क्या है? ओके, घड़ा मिला है मेरे को। घड़े का मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे तो कुछ है नहीं है। घड़ा लेके मैं कहाँ पे जाऊँ? यहाँ पे खटिया भी है भाई साहब, ये तो एकदम पुराना फील दे रहा है। ओके, ये क्या है यहाँ पे? ये छोटी सी हवेली है कॉकरोच की। यहाँ पे प्रभाकर भाई नहीं रहते, यहाँ पे कॉकरोच रहते हैं। एक मिनट, इसे भी मैं उठा सकता हूँ क्या? यहाँ पे देखो कुछ तो आया है, पता नहीं क्या है। ओए ये क्या हुआ भाई, डरावना गेम तो है। यहाँ पे चेयर पड़ी हुई है, मेरे ख्याल से कमला यहाँ पे प्रभाकर भाई को टॉर्चर करती होगी, हमारे भाई को। बहुत दुख हुआ प्रभाकर भाई आपके लिए। ये क्या है भाई, पिंजरा भी है कुछ? आ जाओ बाहर निकलते, हवेली में मेरे को कुछ लग नहीं रहा है। उसके अलावा ये हवेली में जाने के लिए हमें रास्ता तो फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। एकाध खिड़की तो होगी, ये भी नहीं है। ये वाली खिड़की सही होगी, ये भी नहीं है। ये वाली खिड़की होगी, ये भी वाली खिड़की नहीं है। मैं भी अब पीछे तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि दीवार आ गई है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे देखे तो कुछ खास है नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है सच बताओ तो। ये पिंजरा यहाँ पे क्या है भाई? वो दरवाजा एक ही है और वहाँ पे लगी है आग। अब मेरे को समझ नहीं रहा मैं करूँ क्या। यहाँ पे एक टेबल पड़ा हुआ है, उसके अलावा ये कौन सी चीज़ है भाई? ये तो वाटर पंप है ना, इसको हम लोग डंकी बोलते हैं गुजरात में। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ ओ इसे घड़ा हमने रख दिया, अब पानी निकालना, पानी निकलने। अच्छा यहाँ पे एक वो रहता है ना, हथियार रहता है वो, उसको क्या बोलते हैं, पंप का वो आता है, इसे ऊपर नीचे करने का रहता है भाई, उससे पानी इधर से निकलता है। मे भी उसका कुछ करना पड़ेगा, बट यहाँ पे भी कॉकरोच है। और ये जो पानी होगा इससे मे भी हम आग बुझा सकते हैं और उसके बाद अंदर जा सकते हैं, बट सवाल ये है कि हमें वाटर पंप से पानी निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक लगेगी लकड़ी और वो लकड़ी हमें मिली नहीं है। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिलेगी मे भी। और यार एक मिनट रुको,
को अब भी याद आया, जो यहाँ पे एक लकड़ी थी उसे ले सकते क्या हम लोग? ये वाली लकड़ी से काम हो जाना चाहिए। मे बी ये स्टील की है, हाँ ये स्टील की है। इस स्टील वाली चीज़ अगर हमने लगा दी तो फिर ऐसे ऐसे करके पानी निकाल सकते हैं। भाई ये मेरे को पहले सोच लेना चाहिए था, बट ठीक है बाद में सोचो, अभी सोचो ठीक ही है। ये देखो पानी निकला भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये मैंने गाँव में एक दो बार किया इस तरीके से पानी निकाल के, पानी पिया भी है मैंने। चलो अब यहाँ जाएंगे और ये आग को बुझा देंगे। हम तांत्रिक है वैसे, और हमें कमला के अंदर से जो एक भूतिया आत्मा है उसे बाहर निकालना है। तो क्या हम निकाल पाएंगे ये है सवाल। लेट्स गो भाई, देखा जाएगा जो भी होगा। अगर कुछ ज़्यादा ही मैं डरा तो मैं बीच में ही गेम को ट्वीट कर देगा भाई, मेरे को नहीं खेलना है घटिया गेम। ओह क्या बात है, घड़ा गायब हो गया। ओपन करते ही इसको, दरवाज़ा ओपन हो चुका है। तेज आवाज़ें कमला को सचेत कर सकती है। डेवलपर भाई तू 3 बार एक ही चीज़ बोल चुका है, एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा है। ओके हवेली के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, अभी मेरे को हवेली को एक बार चेक करने दो। यहाँ यहाँ कमला को खोजे, कमला किधर होगी भाई? ये घर में होगी, कमला को हमें खोजना पड़ेगा। उसके साथ बातचीत करेंगे और बोलेंगे कि हम तेरी हेल्प करने के लिए आए हैं, तेरे अंदर से हम भूत निकालेंगे। भाई साहब ये तो किचन में आ गया, कुछ है क्या यहाँ पे किचन? ये क्या था भाई, ये क्या हो गया? ऐसे नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है। यहाँ पे क्या है ये? दरवाज़ा ओपन करते हैं और अभी ये साउंड हुई, ये देखा यहाँ पे कमला थी। मैंने कमला को ढूंढ लिया भाई, कमला यहीं पे थी कहीं ना कहीं पे। भाई मैंने माँ कसम कमला को देखा अभी, वो लड़की थी वही कमला थी ना कि कोई और था? मैंने देखा भाई, मैंने देखा। जो भी बोलो, अगर तुम वीडियो पीछे करके देखोगे तो कोई तो हमें देख रहा था, मे बी वो कमला ही थी। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है भाई? एक तो पुस्तक का पूरा पुस्तकालय है, उसके अलावा ये सब क्या है भाई? ताज़ा खबरें, पेपर भी पड़ा हुआ है और ये सब सामान, और ये दीवार है। आ जाओ भाई कमला को ढूंढते हैं, फालतू चीज़ें नहीं करेंगे। ये वाला घर ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई? खुलने के लिए बेडरूम की चाबी की आवश्यकता है, बेडरूम की चाबी कहाँ मिलेगी? ये क्या है? कमला पसंद, विनोद पान मसाला, ये सब यहाँ पे क्या पड़ रहा है भाई? कमला पसंद था भाई, कमला पसंद। ओके उसके अलावा ये है सूटकेस, इसमें लॉक लगा हुआ है, इसमें मे बी हम पासवर्ड डालेंगे ना तो हो जाएगा। अब मेरे को पासवर्ड ही पता नहीं है तो मैं कैसे ओपन करूँगा? छोड़ो मेरे को नहीं करना ओपन। ये वाले डब्बे चेक करते हैं भाई, कमला किधर है? ये वाला दरवाज़ा ओपन करते हैं, कमला यहाँ पे है क्या? एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो लगा हुआ है। मैं उससे छुप सकता हूँ लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, वह अविरल है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे बच सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं जीवित रह सकता हूँ या नहीं। हे भगवान हनुमान, कृपया मुझे और मेरे पुत्रों को बचा लो। मे बी ये लेटर किसी तांत्रिक ने लिखा है जो हमारी तरह कमला के अंदर से आत्मा निकालने के लिए आया होगा, और कमला ने उसका भूत बना दिया और कमला ने उसको खा लिया, क्योंकि वो तो मानव को खाती है, इंसानों को खाती है। ये क्या है भाई, कमला किधर मिलेगी? एक मिनट, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये दरवाज़ा ओपन करते हैं, यहाँ पे कोई चेस्ट पड़ी हुई है, चेस्ट में, और वाह गुड़िया मिल चुकी है हमें, गुड़िया एकत्रित, काला जादू, काला जादू करने वाले हैं क्या हम? ये क्या है? मैं आज पुरानी यादों के बारे में सोच रही थी। याद है जब हम क्रिकेट खेलकर देर से घर आते थे तो बिस्तर के नीचे या अलमारी के अंदर छिप जाते थे ताकि दादाजी हमें ढूंढ न सके। आखिरकार वह हमें पकड़ लेते थे और हमें काफ़ी मार झेलनी पड़ती थी, लेकिन आज उन्हीं पलों को याद आती है, उन्हीं पलों की याद आती है। अच्छा मतलब बचपन में जब दादाजी इनको पीटने के लिए आते थे तो ये लोग छिप जाते थे, इसमें कुछ है क्या? अच्छा समझा, ये इसके अंदर लिखा है ना कि हम छिप सकते, तो मतलब हम अलमारी और कहाँ और तो एक जगह पे छिप सकते हैं, ऐसा लिखा है। बिस्तर और अलमारी के अंदर हम छिप सकते हैं, हम यहाँ पे और बिस्तर के नीचे छिप सकते हैं, बट बिस्तर कहाँ पे वो मेरे को नहीं पता। यहाँ पे कुछ है क्या? टेलीफोन है, वही मेरे को चाबी मिल गई, बेडरूम की चाबी मिल गई, क्या बात है। आ जाओ बेडरूम ओपन करते हैं, बेडरूम में कुछ है क्या? अरे ये तो घूम फिर के मैं स्टार्टिंग में ही आ गया, ये वाला जो दरवाज़ा जिससे हमने एंट्री ली थी। भाई अभी तक तो हमें कमला मिली नहीं है सच बताऊँ तो, और बेडरूम मेरे ख्याल से ये रहा बेडरूम। बेडरूम ओपन करेंगे, बेडरूम में कुछ है क्या? बेडरूम भाई साहब कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा है। ये वाली अलमारी के अंदर हम छिप सकते हैं, उसके अलावा ये पेंटिंग है, और तो कुछ है भी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है भाई। कमला किधर है? कमला मेरे को, कमला को ढूंढना है और कमला के अंदर से आत्मा बाहर निकालनी है। कमला मेरे को पहले एक बार दिखी थी बट अब नहीं दिखी है। चलो आ जाओ, ये वाली जगह तो हमने पहले ही चेक कर ली है, मे बी ये वाली जगह बाकी है ना। हाँ ये वाली जगह पर मैं पहली बार आया हूँ, और यहाँ पे ये तो भाई मिल्क का केन पड़ा हुआ है, दूध का केन, और यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये भाई ये वाला साउंड कर रहा है, मैं बोले ये साउंड कहाँ से आ रहा है? ये देखो ये तो कुछ है, ये क्या भाई ये? ऐसे 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 ऐसे, अच्छा मतलब ये कोई पासकोड होगा, इसको अगर हमने सही से
सही कर दिया तो मे बी ये वाला बक्सा ओपन होगा, ऐसा कुछ तो होगा। देखो अब पता नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये वाले में क्या लिखा है, मैं इस दीवार के पार से अजीब आवाजें सुनता रहता हूँ। ये लगभग राक्षसी जैसा सुनाई देता है, जैसे चीखते हुए और डरावनी फुसफुसाहट का मिश्रण। ओके, तो ये लेटर में लिखा है कि ये दीवार के पीछे से कुछ तो साउंड सुनाई देती है यहाँ पर प्रभाकर को, और मतलब उससे वो डरता है। पता नहीं क्या साउंड है ये, क्या भाई, यहाँ कुछ रखा जा सकता है, बट क्या रखा जा सकता है ये बताओ। यहाँ से तो हम आए हैं ना, मे बी हाँ हम यहाँ से ही आए हैं, यहाँ से। अच्छा ये वाली जगह से ही हम आए, एक गुड़िया मिल गई भाई। नहीं ये वाली जगह हम लोग नहीं आए ना, ये फर्स्ट टाइम ही हम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ ये दूसरी जगह है, वरना यहाँ पे कमला पसंद पड़ी थी, ये भी दूसरी जगह है। ओ भाई हम लोग कहाँ आ गए, मंदिर में आ गए क्या। यहाँ कुछ रखा जा सकता है, क्या रख सकते हैं बताओ। यहाँ पे तांत्रिक की विधि के लिए, तांत्रिक की विधि नहीं मतलब मंदिर का सामान है, अगरबत्ती वगैरह है, और ये कुछ पड़ा हुआ है। ये क्या है, नमक की कटोरी। अच्छा ये नमक की कटोरी का यूज क्या है वो मेरे को नहीं पता, बट हमें नमक की कटोरी मिली है। ये वाली खिड़की हम ओपन नहीं कर सकते हैं। ये क्या है भाई, इसे ओपन करके एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ रेडियो पड़ा हुआ, ये लेटर है। आज मुकेश जी ने हमें उपहार में दिया हुआ कढ़ाई का काम देख रहा था, उनकी ओर से हर दीवार पर हमें इतनी सुंदर। ओके ये लेटर किसी काम का नहीं है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, इसे ऊपर। ओके एक मिनट, ये क्या है भाई, ये हवन कुंड है ना, मे बी हवन कुंड में हम लोग हवन करके कमला के अंदर से आत्मा निकाल सकते हैं, उसके लिए हवन कुंड रहेगा मे बी, जहाँ तक मेरे को लगता है। ओके ये वाली जगह कौन सी है भाई, ये तो नई जगह पे ही मैं आ गया। ओके यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये नमक की कटोरी का मैं क्या करूँगा, इसको मैं रखूँ कहाँ पे, नमक की कटोरी मैं इसको नीचे भी नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे को लेके घूम। ओए वो नहीं, आजा 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 आजा, वो कमला थी ना, कमला को मुक्त करे भाई, वो कितनी डरावनी थी, माँ कसम क्या डरावनी थी वो। मेरे ख्याल से नमक की कटोरी हमें यहाँ पर रखनी है। देखो ये वाली जगह पे हम नमक की कटोरी रख सकते हैं, ये रख दी नमक की कटोरी। और अभी भाई ये क्या हो रहा है, एक मिनट हो क्या रहा है, कुछ तो हुआ ना, एक मिनट। आगे आगे कमला, आगे कमला, आगे। अब देखो हवन कैसे करता हूँ मैं, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। अरे अरे ये क्या कर क्या रही है भाई, हम कमला के अंदर से भूत निकालने के लिए आए हैं और कमला हमें मार दे रही है। गणपति की मूर्ति है और गणपति दादा के सामने तीन दिए हैं, जिसमें से एक दिया बुझ चुका है, मतलब हमारे पास अभी दो लाइफ बची है। ओके एक गेम में ना हमारे पास तीन लाइफ है, जिसमें से एक लाइफ हम लोग बर्बाद कर चुके हैं, मतलब एक बार हम मर चुके हैं, अभी हमारे पास एक ही लाइफ है, इसे ही नीचे गिराना है ना। हाँ तो ये क्या हुआ भाई, कमला आ गई क्या वापस से, भागो भाई कमला से बच के रहना पड़ेगा। एक मिनट यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ छिप जाते हैं बिस्तर के नीचे। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कब तक भागेगा, जब तक मैं भाग सकता हूँ भाई। मतलब अभी मेरे को दो दिन के अंदर ख़त्म करना है, अगर मैं दो बार मर गया तो कमला जीत गई, वरना मैं जीतूंगा, ऐसा है। मेरे को कमला को मुक्त करवाना है, बट मैंने नमक की कटोरी वहाँ पर रख दी, अब आगे क्या करना है मेरे को नहीं पता, देखने दो मेरे को। बाहर निकलते हैं, यहाँ पर जाते हैं हम लोग, कमला गई ना, हाँ कमला तो गई। ओ भाई यहाँ पे क्या है, ये ओपन करते हैं। ये हवेली मेरे को समझ ही नहीं रही, इतने सारे घर है ना भाई यहाँ पे। ये हवेली में ये वाली जगह हमने चेक करी है क्या, मे बी हाँ ये वाली जगह पे हम लोग पहले आ चुके हैं। अभी आगे कहाँ जाना है वो नहीं समझ रहा मेरे को। यहाँ पे एक सामान रख सकते हैं, बट वो सामान क्या होगा और क्या रखेगी वो मेरे को नहीं पता है। मुझे बचा लो, कहाँ मैं तेरे को बचाऊंगा भाई, मैं उसके पास जाता हूँ, मेरे को मार देती है वो, और अभी बोल रही है मेरे को बचा लो। एक मिनट को यहाँ पे चेक करने तो कुछ है क्या, ये वाली जगह मैं ये चीज़ को उठा नहीं सकता हूँ। यहाँ पे भी साउंड आ रहा है भाई, कमला का निकल भाई, कमला ने देख लिया क्या मेरे को, हाँ कमला ने मेरे को, मैं भी देख लिया कमला ने मेरे को देख लिया। मैं छिप सकता हूँ क्या, हाँ यहाँ पे छिप सकता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है क्या, नहीं 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 नहीं, कमला का साउंड तो आ रहा है। एक मिनट मेरे को यहाँ पे रुकने दो थोड़ा, ये वाली जगह पे हम लोग मे बी आ चुके हैं जहाँ तक मेरे को पता है। ये वाली जगह पे हम लोग आए हैं क्या, नहीं ये तो मशीन है, ये वाली चीज़ है, बेड है, और ओ भाई ये गुड़िया मिल गई। ये गुड़िया का यूज़ क्या है मेरे को नहीं पता, बट एक मिनट ये क्या है, ओके ये मे बी पासकोड हो सकता है वो हाथी वाली चीज़ का, मतलब दो ऊपर की साइड करने हैं, बीच वाले और एक नीचे और एक, भाई साउंड आ रहा है कमला का, थोड़ा छिपके रहते हैं। हाँ ये पासवर्ड ही है, इसका हम लोग यूज़ करने वाले हाथी वाली जगह पे। एक मिनट को कमला को जाने दो पहले, इसे याद रखना पड़ेगा, वैसे तो मेरे को याद है बट एक और बार देख लेता हूँ। पहला जो है वो ऐसे जाएगा, दो ऊपर और एक नीचे, ठीक है मैं समझ गया।
अभी ये वाला पासकोड हम यूज़ करने वाले हैं कहाँ पर, जहाँ से हम आए थे। मे बी वो वाली जगह पे हम लोग कहाँ से जा सकते हैं? वो मेरे ख्याल से जो जगह हम आए थे, वो जो हाथी वाली जगह है, वो आई थिंक यहाँ पे कुछ है क्या? ये वाली जगह पे हम आए नहीं हैं, यहाँ पे तो हम लोग नहीं आए हैं। देखते हैं ये वाला एरिया बाकी है क्या एक्सप्लोर करना। नहीं, ये वाली जगह पे हम आए थे और अच्छा, हम लोग किस्मत से यहाँ पे ही आ गए हैं। ये यहाँ पे था, एक ऊपर की साइड पे था और दो नीचे की साइड पे थे, ऐसे थे नीचे की साइड पे। यार ऐसे ही था ना? हाँ ऐसे ही था। नहीं एक मिनट, ऐसे था क्या? दो नीचे की साइड पे थे, वो तो मेरे को पता था। ये वाला किस साइड पे था फिर? ऐसे था क्या? अच्छा ये दोनों ऊपर की साइड पे थे क्या? यार मैं भूल गया, इसलिए ना मैं लिख लेता हूँ। अच्छा हो गया, कपूर मिला है मेरे को। ये कपूर को भी मेरे ख्याल से हमें वहीं पे रखना होगा जहाँ पर हमने नमक की कटोरी रखी थी। तो आ जाओ ये कपूर को रख के आते हैं। और मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे देखो उद्देश्य, मतलब हमारा जो अभी ऑब्जेक्टिव ये है, ये है कि हमें एक थाली ढूंढना है, कपूर ढूंढना है, नमक की कटोरी ढूंढनी है। टोटल छः चीज़ें ढूंढनी है कमला के अंदर से आत्मा निकालने के लिए। और हमने अब तक दूसरी चीज़ ही ढूंढी है, हमने नमक की कटोरी ढूंढी है और उसके अलावा हमने कपूर ढूंढा है। अभी चार चीज़ें बाकी है और हम एक बार मर चुके हैं, दो बार मरने के बाद गेम ओवर है हमारा। तो हमारे पास जो ये दो दिन बचे हैं ना, उसके अंदर ही वही कमला सामने है। मैं गया, मेरे को पता नहीं था भाई, पता नहीं बच गया। तो मतलब हमारे पास जो दो दिन बचे हैं उसके अंदर इस गेम को कम्प्लीट करना है भाई साहब। और कमला कुछ ज़्यादा ही डरा रही है मेरे को अब, क्योंकि ये गई सामने की साइड पे भाई, एकदम सूखी हुई है ये तो। डाइट पे लगती है कमला, खा आदमी लोगों को रही है भाई, जिंदा लोगों को खा के भी बॉडी नहीं बन रही है, बताओ। यहाँ पे रखना है इसको, कपूर को रख देते हैं। ये रख दिया कपूर। ओ ये देखो हमें क्या मिला, ये एक मिनट, इसको उठा लेते हैं। कुछ तो हुआ, मे भी क्या हुआ है। एक मिनट, कमला आई क्या? मेरे ख्याल से कमला आई इधर। भाई मेरा ना गला सूख रहा है ये कमला का, ये बैकग्राउंड म्यूजिक और ये सब चीज़ें सुन के, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये कुछ तो मिला है, ये वाली चीज़ मैंने कहीं पे तो एक गेम में देखी है, ये वाली जैसी चीज़ तो मैंने कहीं पे। एक मिनट, ये क्या है? इसे मैं ओपन नहीं कर सकता, खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता है। ओके, चाबी कहाँ मिलेगी मेरे को नहीं पता है। और अभी रात के बजे है, एक बजने वाला है। ओके, ये सामान को लेके हम जाते हैं। ये मेरे ख्याल से ना हमने जो हाथी वाला किया ना, वो हाथी को हमने पलटा था, उसी साइड पे एक जगह थी, वहाँ पे लिखा था यहाँ पे रखने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, और वो वाली चीज़ ये है। तो मतलब मेरे ख्याल से अगर मैंने इसे वहाँ पे रख दिया ना, तो कुछ तो हो सकता है। अब पता नहीं क्या हो सकता है, बट कुछ तो हो सकता है। आ जाओ देखते एक बार चेक करके। सबसे बेस्ट बात यह है कि अब तक मैं एक ही बार डरा हूँ और वो भी हल्का सा। एक मिनट, यहाँ पे ही कमला है, इसकी पायल की साउंड आ रही है कमला के। यहाँ पे जाना है, ये रख दिया हमने यहाँ पे। और ये क्या हुआ भाई? अरे वो अच्छा, ये जो लेटर लिखा था ना कि दीवार के आर पार साउंड आती है, मे बी ये दीवार वही है। तो मेरे को नीचे जाने दो भाई। भाई ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या है सब? उसकी चिल्लाने की साउंड भी आ रही है, उसके अलावा ये ग्राउंड फ्लोर है क्या एकदम से? ओ भाई एकदम अलग ही लेवल की जगह है। तो यहाँ पे बेडरूम बना हुआ है, कुछ दिख ही नहीं रहा सही से। एक मिनट रुको, ये जगह कुछ ज़्यादा ही अजीब है, डरावनी है। और यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, यहाँ पे एक पिंजरा है मे बी। ओ कमला यहाँ पे जो भी लोगों को मारती है ना, वो सभी लोगों को यहाँ पे लेके आती है, उसको काटती है और उसके बाद खा जाती है। भाई कमला के अलग ही शौक है। प्रभाकर भाई गलत शादी कर लिया तुमने, सच्ची बता रहा हूँ मैं तो भाई। आपकी किस्मत जैसी किस्मत ना मिले किसी को। एक मिनट, इससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं क्या? अच्छा ये तो हम कहाँ पे आ गए, घूम फिर के हम लोग ये वाली जगह पे आ गए। इसको ओपन करने के लिए चाबी चाहिए, जो कि चाबी मेरे को मिली नहीं है, मौत करीब है। अभी मेरे को चार चीज़ें चाहिए, थाली, हनुमान चालीसा, गंगा जल, कलश पात्र। और अभी मेरे को बाकी चीज़ें ढूंढनी है, बट कहाँ पे वो मेरे को नहीं पता है। आ जाओ एक मिनट, थोड़ी बहुत जगह चेकआउट करते हैं, यहाँ पे कुछ बाकी रह गया हो तो। अच्छा ये तो घूम फिर के मैं वहीं पे आ जाता हूँ हर बार। और कमला बाहर ही है तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, उसका साउंड आ रहा है भाई। भाई अगर यहाँ से कमला जाए ना तो मैं बाहर भी निकलूँ, बट ये कमला जा ही नहीं रही है। चलो वो गई, अभी मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ये वाला एरिया हमने चेक किया क्या? हाँ हमने ये वाला एरिया पहले ही चेक कर लिया, मतलब यहाँ से तो हम लोग आए थे, मौत करीब है। और ये वाला एरिया भी हमने चेक किया है, यहाँ पे कुआँ बना हुआ है, कुएँ में कुछ है क्या? चेक करने दो, क्या पता कुएँ में कुछ हो, कुएँ में कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या होगा।
यहाँ पे सब सामान पेपर के कटिंग पड़े हुए है और एक खटिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये जगह मैंने ओपन नहीं करी मैं भी। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, एक बल्ब लगा हुआ है और उसके अलावा, अच्छा यहाँ पे एक मिनट इसे ओपन करके चेक करते हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं है। ये वाली, अच्छा थाली, थाली मिल गई हमें, पूंजा थाली मिल गई है जो हमें चाहिए थी। ये थाली को हमें रखना पड़ेगा वहाँ पे, और जैसे ही अगर हम लोग जो भी चीज़ हवन के जगह पे रखते हैं ना, तुरंत ही कमला आ जाती है हमारे पास, तो हमें भागने के लिए तैयार रहना पड़ेगा वरना हमें कमला मार डालेगी। इसको यहाँ पे रखना है और भागने के लिए, छिपने के लिए हम ये वाली जगह पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे भाग भाई, वो गिर गया, वो गिर गया मेरे सामने गिरा। मैं सामने से कमला के पास गया, मैं सामने से गया भाई कमला के पास। अब मेरे पास एक दिन बचा हुआ है, एक जिंदगी बची हुई है, और मेरे को एक जिंदगी के अंदर ये तीन सामान ढूंढने हैं वरना मैं खत्म हूँ भाई। अभी मेरा गला बहुत गंदा सूख रहा है। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। एक मिनट भाई, अब मैं क्या करूँ, यहाँ मैं छिप सकता हूँ, बाहर निकलते आ जाऊँ। पीछे से ताला लगा हुआ है, एक मिनट यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कुछ जुगाड़ होना चाहिए चाबी वगैरह का। अच्छा ये छाता ले लेते हैं, और कुछ है क्या यहाँ पे चाबी वगैरह, कैसे ओपन करेंगे दरवाज़ा, जब ये खिड़की में भी ओपन हो सकती है। भैया दरवाजा ओपन नहीं हो सकता, अजीब तो है ये गेम, अजीब है। छाते से हमने दरवाज़ा ओपन कर दिया, क्या बात है भाई, क्या बात है, छाते से दरवाजे ओपन हो रहे हैं भाई। ये वाली जगह पे तो मैं पहले ही आ चुका हूँ। यहाँ पे मंदिर में कुछ मैं मिस कर दिया क्या? आ जाओ जाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। कितनी देर डरेगा भाई, हमें डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। हमने कुछ तो मिस किया है, यहाँ तक मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो मिस किया है। यहाँ से हम जाते हैं भाई, कमला का साउंड तो नहीं आ रहा है ना। सभी घर हम चेक करेंगे भाई, भाई 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 भाई। बेडरूम में आ चुके हैं हम लोग, क्योंकि कमला का साउंड आ रहा है और मेरे को कमला से मस्ती नहीं करनी है। एक मिनट, कमला बाहर ही है। यहाँ पे ये क्या है, एक मिनट इसे मैं उठा सकता हूँ क्या? अगरबत्ती, ओके ये अगरबत्ती मेरे को मिली है। अगरबत्ती चाहिए क्या हमें? अगरबत्ती हमें नहीं चाहिए, तो अगरबत्ती का हम क्या करेंगे अब? इसका आगे कुछ काम होगा अगरबत्ती का। बेडरूम एक बार सही से चेक कर लेते हैं, बेडरूम में कुछ भाई, टॉयलेट है ये, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। ये आईना है जिसमें कुछ दिखाई भी नहीं देता है। आ जाओ बाहर जाते हैं अगरबत्ती को लेके। भाई अगरबत्ती धुआँ छोड़ रही है, क्या बात है भाई। ये वाली जगह हमने चेक करी थी क्या पहले? मे भी हाँ हमने चेक करी थी, देखते हैं। ओके एक मिनट, हाँ ये बुक उठ सकती थी बट हमने पहले नहीं उठाई थी। अलमारी की चाबी मिल गई है हमें, अब अलमारी हम ओपन कर पाएंगे, जो कि ओपन नहीं कर पा रहे थे स्टार्टिंग में। हमने देखा था कहीं पे तो अलमारी थी, अब मेरे को अलमारी का लोकेशन नहीं पता, अब अलमारी का लोकेशन ढूंढो। आ जाओ कोई ना, हमारे पास एक ही लाइफ है, तो जो भी करना है फटाफट करना। ओए नो, वो नो 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 नो, आखिरी लाइफ है मेरी। अरे नहीं भाई, वो नहीं, वो नहीं, बच गया, बच गया, कब तक भागेगा, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया भाई, लेट्स गो भाई साहब, मां कसम क्या चीज था ये। हाँ कमला का भोजन नहीं बना मैं, मेरे को अच्छा लगा भाई, मजा आ गया मेरे को। हाँ तो भाई क्रेजी चीज है भाई, एकदम सिस्टम हिला देती है भाई। इंडियन डेवलपर तेरे को सलामी है एकदम, 21 तोपों की क्या गेम बनाई तूने। अब हम जा सकते हैं भाई, अभी कमला गई, वही नहीं सामने ही है कमला, अभी वापस से लफड़ा नहीं होना चाहिए भाई। लफड़ कमला कहाँ है भाई, यहाँ से निकलते हैं। ये तो स्टार्टिंग, ये फ़ोन आ रहा है मेरे को किसी का, भाई फ़ोन कौन कर रहा है? वही कमला सामने आ गई। नो, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है भगवान की कृपा से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाई, बचे हुए हम लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये तीसरे दिन पे इतना हॉरर क्यों हो रहा है भाई अचानक से? आ जाओ निकलते हैं बाहर भाई, अभी हालत ख़राब करी है इस गेम ने, अब खराब हो गया है भाई। हंसते हुए हंसता हुआ जो जाएगा भाई, अभी तक ये कमला यहाँ पे, छिपने दे भाई, छिपने दे, बिना मतलब का लफड़ा नहीं चाहिए। अब गई कमला मेरे ख्याल से, गई गई गई, साउंड तो नहीं आ रहा है। मे बी कमला यहाँ पे है क्या? अच्छा यहाँ पे ही कमला है, हमें यहाँ पे निकलना चाहिए ये वाली जगह से फटाफट से। भाई 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 भाई, एक मिनट रुको, कमला यहाँ पे है क्या भाई? कमला यहाँ पे है, कमला यहाँ पे आ रही है,
क्या करूं मैं कमला का, क्या करूं कमला? ये वाला रास्ता कौन सा है भाई, ये कहां लेके जाएगा? जो भी हो आ जाओ, देखते हैं। ये आ गया मैं यहां पर, और जो भी होगा देखा जाएगा। भाई ये देखो, ये कुछ हुआ, ये देखो ये मटकने लगी है भाई। अगरबत्ती मटकने लगी, देखो अगरबत्ती में इधर एकदम स्टेबल है। ओके, जब मैं यहाँ से इसको लेके जाता हूँ ये कुएं वाली साइड पे, देखना अगरबत्ती मटकने लगेगी। ये देखना, देखो मटकी, देखा? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब अगरबत्ती अगर मटक रही है तो कुछ तो है। यहाँ पे कुछ है क्या? मे बी यहाँ पे मटकना बंद हो गई। ओ नो भाई, गया यार भाई, अगरबत्ती का चक्कर। अब तो कमला मेरे को मार डालेगी। 101 टका है, वो अंदर आएगी। बहुत लकी रहा तब मैं जिंदा रह सकता, वरना गया मैं। भाई हमने हनुमान दादा का नाम लिया था ना, इसलिए बच गए भाई, वरना कमला अंदर जरूर आती। भाई मैं किस चीज को टच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मेरे को नहीं पता, बट कुछ बेल बजने का साउंड आता है और कमला पागल हो जाती है। हमें ना थोड़ा सही से खेलना पड़ेगा यहाँ पे देख के। भाई ये अगरबत्ती ना यहाँ पे मटकती है, देखना, देखो मटकी ना यहाँ पे। भाई कमला आसपास में ही है और अगरबत्ती मेरी मटक रही है। यहाँ पे कुछ तो साउंड हुआ था, हमने कुछ तो चीज़ छेड़ दी थी। कोई कमला अंदर आ रही है क्या? मे बी कमला यहाँ पे एकदम पास में है, मैं मरने वाला हूँ। यहाँ पे भीत पे मुँह कर देते हैं ताकि कुछ हो ना, जो भी होगा देखा जाएगा। भीत पे मुँह रखते हैं भाई। मेरे ख्याल से कमला गई, अभी हम बाहर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो यहाँ पे मटक रहा है, यहाँ पे मटक रही है अभी तक। देखो अभी मटकना बंद हो गई है अगरबत्ती, अभी वापस से अगरबत्ती हिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे भी नहीं हिल रहा है भाई, यहाँ तक हिलता है। यहाँ पे ही कुछ ना कुछ है, देखो अगरबत्ती हिल रही है, यहाँ पे कुछ तो है भाई। एक मिनट रुको, यहाँ मैं आ गया, अगरबत्ती हिल रही है बट मैं अंदर जाता हूँ। अगर ये देखो यहीं पे हिल रही है, मतलब यहाँ पे कुछ तो है। ये जो काला धुआँ है, अंदर से काला धुआँ निकल रहा है, उसे हमें फॉलो करना है क्या? ये देखो मैं इधर आ गया, अब बंद हो गई वापस। अभी यहाँ पे कुछ तो है तब तक। और कमला आ गई भाई, कमला आ गई। यहाँ पे छिपने के लिए कुछ है क्या? नहीं कुछ भी नहीं, ये बेड है ना, यहाँ पे छिपेगा हम। भाई कमला जा रही है और वो चली भी गई है, अभी देखा जाएगा जो भी होगा। कमला यहाँ से गई है, अभी हमारे पास टाइम है। भाई देखो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही वो निकलने लगा है धुआँ। भाई कुछ तो यहाँ पे है, देखो मैं यहाँ पे जब आता हूँ, देखो अभी ये देखो रेड हो गया एकदम, ये रेड हुआ और अभी देखो कुछ तो होगा। ओ एक मिनट, अच्छा मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक कलश पात्र मिल गया। भाई ये कैसे कलश पात्र मिलता है इसे, मतलब समझा नहीं, बट ठीक है। मतलब अगर धूप जो था उससे हमने कलश पात्र ढूंढा, भाई बढ़िया यार। अभी मेरे को छिपने के लिए कहाँ पे जाना वो एक बार चेक करने दो, क्योंकि भागना तो पड़ेगा। अगर वो आएगी कमला, तब हम भाग के जाएंगे कहाँ पे? क्योंकि अगर कमला यहाँ पे है, देखो ये वाली जगह पे मैं आ सकता हूँ, बट अगर कमला उस साइड पे है तो वो सीधा भाग के मेरे को वहाँ से पकड़ लेगी जब मैं यहाँ पे जा रहा होगा तब, राइट? तो हमें तब तक ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे तो इसने एकदम वो गिरा दिया है कबाड़ी, और यहाँ पे मैं भाग सकता हूँ। हाँ ये वाली जगह पे मैं भागूंगा। यहाँ पे रख देते हैं हम लोग कलश पात्र और फिर हवन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेट्स गो, भागते हैं, अभी कुछ नहीं करना है भाई, भागना है गंदा वाला। भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ छिप जाते हैं, बच गया मैं। भाई कमला हम जहाँ पे होते हैं ना वहीं पे हो जाती है कमला, वहीं पे आ जाती है वो, पता नहीं कैसे बट आ गई थी। यहाँ पे कमला है देखा, अभी मेरे ख्याल से हम लोग ना वो अलमारी को ओपन कर सकते हैं, हमारे पास की है। तो हंसते हुए कमला, क्यों हंस क्यों रही है कमला? कमला एक बार यहाँ से जाए तो हम बाहर निकलेंगे और वो अलमारी ओपन करेंगे, जिसमें है मेरे ख्याल से कुछ तो सामान है, क्योंकि हमारे पास सभी चीज़ें आ चुकी है। गंगा जल चाहिए और हनुमान चालीसा चाहिए। हनुमान चालीसा मेरे ख्याल से कहाँ से मिलेगी मेरे को नहीं पता, बट उस अलमारी के अंदर गंगा जल है मेरे ख्याल से। आ जाओ निकलते हैं बाहर, कमला यहाँ से जा चुकी है, अभी फटाफट से हमें जाना है यहाँ पर। और कमला सामने वाली, यही सामने ही है, अगर उसने देख लिया ना तो लफड़ा हो जाएगा। कमला भाई मत छोड़, बट इतना डरा मत यार, ना डराती है ये। निकलते हैं बाहर और फटाफट से अलमारी की साइड पर जाते हैं। भाई अभी मस्ती नहीं करनी है। एक मिनट, ये क्या मिला मेरे को? ओ गणपत दादा का मूर्ति मिला मेरे को, आ जाओ। मे बी हम लोग मंदिर में रख सकते हैं, वो जो मंदिर हमने देखा था ना वहाँ पे। अरे यहाँ पे ही कमला है, निकलो अज्जू भाई निकलो। मे बी हम मंदिर वाली साइड पे ही थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पे ही मंदिर है ना, यहीं कहीं पे मंदिर। अच्छा ये रहा मंदिर,
नहीं यहाँ पे मंदिर नहीं था, मंदिर 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 कहाँ पे था भूल गया मैं, आ जाओ यहाँ पे मंदिर रहेगा। अच्छा यहाँ पे अलमारी है, अलमारी करते हैं ओपन और ये मिल गया गंगा जल। हाथ में कोई वस्तु पहले से ही मौजूद है। अच्छा तो मतलब ये मूर्ति मेरे को मंदिर में रखनी पड़ेगी एंड उसके बाद मैं उठा सकता हूँ गंगा जल को। आ जाओ मैं भी, यहाँ पे मंदिर है, हाँ मंदिर यहाँ पे ही है, तो आ चुका हूँ मैं मंदिर पे और यहाँ पे हमने गणपत दादा का मूर्ति रख दिया है। भाई कुछ मिला क्या मेरे को यहाँ पे चीज़ कपूर वगैरह? नहीं कपूर हमारे पास पहले से ही है। चलो कोई ना, हमने गणपत दादा का मूर्ति रख दिया है मंदिर में, स्थापना कर दी है। अभी मेरे को जाना है अलमारी। अलमारी किधर है? अलमारी यहाँ पे है ना, ये रहा गंगा जल। अभी ये गंगा जल को मैं रख देता हूँ यहाँ पे और भाग के मैं जाऊँगा कहाँ पे वो मेरे को डिसाइड करने दो। भाग के मैं यहाँ पे घुस जाऊँगा, ये वाली जो केव है ना उसके अंदर चला जाऊँगा। जैसे ही वो आएगी कमला मैं सीधा केव के अंदर चला जाऊँगा। चलो लेट्स गो। भाई ब्लैक एंड वाइट क्यों हो गया सब? ओ भाई अंदर चला जा। चलो ब्लैक एंड वाइट हो चुका है सब कुछ, सब धुंधला धुंधला लागे, बस कमला पे ही फोकस है। भाई 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 कमला चेक करते हैं क्यों में क्या क्या है। ये देखो टॉर्चर करने के लिए सामान रखा हुआ है। भाई हनुमान चालीसा इधर हो सकती है, मे बी हम हनुमान चालीसा इधर एक बार चेक कर लेते हैं। हमने केव सही से चेक नहीं किया है, क्या पता हनुमान चालीसा यहाँ पे केव में ही हो। देख लेते हैं अच्छी तरीके से अगर हनुमान चालीसा है तो। भाई यहाँ पे भी कमला का साउंड आना स्टार्ट हो चुका है, छिपना पड़ेगा मे बी कमला, वरना मारने के लिए अंदर आ सकती है। यहाँ पे रास्ता कोई दिख नहीं रहा है, गेम पूरा ब्लैक एंड वाइट कर दिया पता नहीं क्यों इन लोगों ने। अभी ना मेरे दिमाग का दही होने लगा है, देख लेते एक मिनट। यहाँ पे हमने नीचे किया ना, ये वाली जगह में कुछ भी नहीं है भाई, ये तो बस मांस वगैरह रखा हुआ है, आई थिंक वो खाती है कमला इसलिए। और ये दीवार है बस, यहाँ पे कुछ तो साइन है, और ये साइन क्या है भाई? मे बी जहाँ तक मुझे लगता है ये साइन है बुक के, क्योंकि एक मिनट रुको, तीन ही साइन है और तीन का ही कोड होता है। तो एक मिनट, यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ यहाँ पे है। एक मिनट में मोबाइल में फ़ोटो खींच लेता हूँ। ये वाली दीवार का फ़ोटो, ये वाली दीवार का फ़ोटो और ये वाली दीवार का फ़ोटो, तीनों दीवार के फ़ोटो मैंने ले लिया है। बस अभी हम लोग जाके ऊपर वो जो चेस्ट है ना उसमें कोड डालने वाले हैं। भाई ये देखो किसी का कटा हुआ हाथ है और उसके अंदर इसने स्टील की वो डाली हुई है चीज़, गंदा मांस खा रही है भाई ये कमला। अब तो मेरे को नहीं मरना है, जो आखिरी दिन है ना इसमें हमें गेम को कंप्लीट करना है। यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी आ चुका था, मैं बाहर कैसे निकलूँ भाई? तो बाहर निकलना है, बाहर बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है अभी यहाँ से। अच्छा ये रहा रास्ता, मे बी यहाँ से हम लोग घर के अंदर निकलेंगे। हाँ मैं घर के अंदर आ चुका हूँ। अभी मेरे को जाना है सीधा अपना जो चेस्ट वाला बेडरूम घर था ना, बेडरूम के सामने ही वो चेस्ट वाला रूम था, आई थिंक यही है बेडरूम। और बेडरूम के सामने यहाँ पे ये रहा चेस्ट वाला रूम। अच्छा हाँ यही है, ये रहा चेस्ट। यहाँ पे कोड डालते, कोड क्या था? पहला कोड है 8 और दूसरा कोड है, एक मिनट, दूसरा कितना है? दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा है 7, एक मिनट 7 यहाँ पे, और तीसरा है 4 5 6 7, तीसरा भी 7 है भाई, ओपन नहीं हुआ। आई थिंक 8 हो सकता है क्योंकि बीच में एक ऐसी लकड़ी थी, यहाँ पे भी 8 हो सकता है। अभी ये वाली दीवार जो है यहाँ पे है 8 और 9 रख सकते हैं, 9 ओके। हनुमान चालीसा में मिल चुका है और दीवार पे सही में कुछ भी दिख नहीं रहा था सही से, तो इस वजह से मेरे को कोड को 2-3 बार रिपीट डालना पड़ा, उसके बाद ओपन हुआ। बट हमें हनुमान चालीसा मिल चुकी है और अभी हमारे पास सभी चीज़ें हैं, बस अभी हमें हनुमान चालीसा सही सलामत पहुंचा देना है हवन कुंड तक। अगर पहुंचा पाए तो गेम कंप्लीट है, अगर बीच में कमला ने हमें मार दिया तो गेम खत्म, देखा जाएगा जो भी होगा। कमला का साउंड आना स्टार्ट हो चुका है पर हम नहीं डरेंगे। यहाँ पे कमला है क्या? कमला दिख नहीं रही है, कमला यहीं पे है, कमला यहीं पे है, ये वाले घर में ही कमला है क्या? हाँ मे बी, तो तेरी आज तो तेरी मैथ हो गई पंडित, मरना नहीं है मरना नहीं है मरना। ओह नो, गया मैं भाई, मैं गया, सॉरी दोस्तों, आखिरी दिन था बट हम लोग कुछ ज़्यादा ही होशियार। उफ भाई माँ कसम, ये हनुमान चालीसा रखने के लिए जाना था और उसमें मैंने जल्दी कर दी और मैं मर गया। ओ, नहीं यार, पुनः प्रारंभ करें।
खेल खत्म, एक मिनट मेरे को देखने दो, अभी तो मैं गेम को खत्म करना चाहूंगा, कमला को मुक्त करे। वक्रतुंड महाकाय, भाई ये गेम पहले से स्टार्ट हुआ क्या? हमने विघ्नम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। भाई ऑलमोस्ट मैंने गेम को कंप्लीट कर लिया था पहली ट्राई में, फर्स्ट ट्राई में गेम को कंप्लीट किया, बट पता नहीं क्या हुआ यार। भाई अगर तुम्हें ये गेम को मेरे को कंप्लीट करते हुए देखना है ना, तुम इसका पार्ट टू बना सकता हो, तुम कमेंट करके बताना अगर इसका पार्ट टू बनाना है तो। बाय द वे अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इसका पार्ट टू चाहिए तो इस वीडियो पे 50,000 कमेंट कर दो और इसका मैं पार्ट टू लाएगा। और अगर एकदम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना इसी और वीडियो के लिए। बाकी कमला मैं कंप्लीट कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पहली ट्राई में ही हम लोग ऑलमोस्ट गेम को कंप्लीट कर चुके थे, बस मैंने थोड़ी जल्दबाजी करी और उस वजह से मर गया, बाकी मैंने बहुत नेक्स्ट लेवल गेम प्ले किया था। बाकी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।